अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? टिक टाक, उम्मीद है कि ठीक ठाक हो। जिस तरह आपको पता है कि सऊदी अरब के अंदर कर्फ्यू में नरमी की गई है, और अभी अभी एक खबर, न्यूज़ अपडेट आया है कि जिस तरह दीगर शहरों में कर्फ्यू उठाया गया है तमाम सऊदी अरब अलावा मक्के का, तो अभी ये खबर न्यू आया है कि मक्का से भी कर्फ्यू हटाया गया है। वो भी तफसीलात कुछ ये है कि मक्का मुकर्रमा में 8 शवाल से कर्फ्यू सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक ख़त्म कर दिया गया है, और 8 शवाल से मक्का मुकर्रमा से बाहर जाने और मक्का में आने की पाबंदी ख़त्म की गई है, और 8 शवाल से मस्जिदुल हराम में नमाज जुम्मा और दीगर फ़राइज़ की अदायगी की जाएगी, इजाज़त दी जाएगी। तो ये थी ज़बरदस्त न्यूज़ के तमाम मुसलमानों में, जिस तरह सऊदियों में ईद के भी 5 दिन में मुकम्मल 24 घंटों का कर्फ्यू था, और मुख्तलिफ कोई घर से बाहर भी नहीं निकल जा सकता, 10,000 से 1 लाख रुपए जुर्माना था, वो सब कुछ अभी अल्हम्दुलिल्लाह लाइन पे सब कुछ बराबर आ गया। और इंशाल्लाह खुशी की बात यह है कि मुसलमानों के लिए कि मक्का से भी कर्फ्यू हटाया गया है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।